आज मैं आप सभी के लिए कचौड़ी और सब्जी की रेसिपी लेकर के आई हूँ, जो खाने में बहुत टेस्टी लगता है। अक्सर हम लोग के घर में ये संडे को बनता है, या तो लंच टाइम में बनेगा या तो ब्रेकफास्ट में मिलता है। बच्चे इसको सब बहुत पसंद से खाते हैं। वैसे तो ये यूपी बिहार साइड का फेमस रेसिपी है। हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूँ अंशुप्रियाज कॉर्नर में। तो चलिए कचौड़ी सब्जी बनाते हैं। इसके लिए मैं 2 कप आटा ली हूँ और इसमें थोड़ा सा सूजी बारीक वाला मिला रही हूँ। कसूरी मेथी, अजवाइन, सौंफ, दरदरी कुटी हुई, नमक, जीरा, लाल मिर्च का पाउडर और साथ ही साथ इसमें थोड़ा सा तेल डाल लेंगे। आप चाहे तो इसमें घी भी डाल सकते हैं, इससे कचौड़ी बहुत सॉफ्ट बनती है। और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें गांठे ना हो। अब इसका एक आटा तैयार कर लेंगे, जैसे पूड़ी का आटा तैयार किया जाता है वैसे। थोड़ा सख्त होना चाहिए ये। इस तरह से आटे को गूंथ लेंगे अच्छे से। देखिए आटा गूंथ चुका है और ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है। अब इसको 10 मिनट के लिए कवर करके छोड़ देंगे। एक साइड में सब्जी के लिए मैं पैन में तेल गरम कर लूँगी। तेल के गरम होते ही हींग, जीरा, पंचफोरन का तड़का लगाएंगे, 2 टमाटर बारीक कटे हुए, 4 हरी मिर्च, साथ ही साथ नमक, धनिया पाउडर, लाल मिर्च, जीरा पाउडर, गरम मसाला, काश्मीरी चिली पाउडर, सौंफ, दरदरी कुटी हुई और साथ ही साथ हल्दी इसमें डाल देंगे और अच्छे से भून लेंगे। इन दोनों का कॉम्बिनेशन तो बहुत ही अच्छा लगता है। हम लोग तो इसका स्पेशली संडे को वेट करते थे, मम्मी कब बनाएंगी। अब टमाटर को सॉफ्ट करने के लिए इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाए जल्दी से, और कवर कर देंगे 2 मिनट के लिए। 2 मिनट बाद चेक कर लेंगे। ये देखिए टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं। अब इसको थोड़ा मैश कर लेंगे अच्छे से। मैश करने के बाद मैं यहाँ पर 2 उबले हुए आलू, जो कि मैं पहले से बॉयल कर ली थी, फ्रोजन मटर जिसको मैंने बॉयल कर लिया था 1 मिनट के लिए, इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हरे मटर चाहे तो आप स्किप भी कर सकते हैं, वैसे डालेंगे तो अच्छा ही लगेगा टेस्ट इसका। इन मसालों को 1 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। और हाँ फ्रेंड्स, मेरी वीडियो अगर आप सभी को पसंद आती है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको मेरे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। एंड साथ ही साथ प्रेस द बेल आइकन। देखिए मसाले अच्छी तरह से भून चुके हैं। अब इसमें पानी ऐड कर लेंगे। आप अपने अनुसार ग्रेवी इसमें लगा सकते हैं। इसको 10 मिनट के लिए कवर कर देंगे। 10 मिनट हो गए हैं, अब चलिए आटे को चेक कर लेते हैं। देखिए आटा भी तैयार हो गया। अब इसकी छोटी छोटी लोई बना लेंगे। इस तरह से मैंने सारी लोई तैयार कर ली है। इन लोइयों का पेड़ा बना लेंगे। पेड़ों में आप चाहे तो घी या तेल लगा करके कचौड़ी बेल सकते हैं। मैं यहाँ बिना तेल घी का बना रही हूँ, बेल रही हूँ कचौड़ी। इस तरह से मैं सारी कचौड़ियों को बेल लूँगी। आप सभी मेरे कहने पर एक बार ज़रूर ट्राई करना। इस तरह से मैं सारी कचौड़ियों को बेल ली हूँ। अब एक तरफ चलिए कढ़ाई में तेल गरम करते हैं इसको तलने के लिए। यहाँ चेक कर रही हूँ छोटे छोटे आटे के टुकड़े डाल करके। तेल गरम हो चुका है। अब एक कचौड़ी को तलने के लिए तेल में डालेंगे। ध्यान रहे फ्लेम को मीडियम पर ही रखेंगे और धीरे धीरे इसको उलट पलट करके सेक लेंगे। देखिए कितने अच्छे से फूल रही है ये। इसको लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे इसको। इसको गर्मा गर्म आप खाएंगे ना तो बहुत अच्छा लगता है। आ रहा है ना आप सभी के मुंह में पानी, तो एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही यम्मी लगता है। इस तरह से मैं सारी कचौड़ियों को तल लूँगी पलट पलट करके। देखिए कितनी अच्छी लग रही है, फुली फुली सी। ये देखिए सारी कचौड़ियाँ इस तरह से तैयार हो गई। तो चलिए अब सब्जी की बारी आई है। 10 मिनट हो भी गए हैं। ये देखिए सब्जी
अच्छी तरह से गल गई है। अब आलू को क्या है ना, इसको अच्छी तरीके से मैश कर लेंगे। पूरे आलू नहीं मैश करने, थोड़े ही मैश करने हैं। कहीं आप सब पूरे आलू ना मैश कर दो। मैं यहाँ पर घर की बनी हुई आमचूर पाउडर, चाट मसाला, कसूरी मेथी हाथों से क्रश करके डाल देंगे, थोड़ी सी हरी धनिया बारीक कटे हुए, इससे इसका टेस्ट और भी अच्छा हो जाएगा। मैं इसमें नमक डालना भूल गई थी, तो मैं यहाँ नमक अब डाल रही हूँ। आप सभी अपने स्वाद के अनुसार नमक डालिएगा। ये देखिए कितना अच्छा कलर लग रहा है ना, तो सब्जी अब पूरी तैयार है। ये देखिए गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। अब चलिए इसको सर्व करते हैं। तो अब बताइए आप सभी को ये रेसिपी कैसी लगी, तो कमेंट ज़रूर करना आप सभी, और एक बार मेरे कहने पर ज़रूर से ट्राई करना, है ना, फटाफट बनने वाली, 10 मिनट भी नहीं लगते इसको तैयार होने में। ये देखिए सब्जी का कलर कितना अच्छा है, और ये ऊपर से बिना लहसुन प्याज की सब्जी है। आप इसको चाहे तो नवरात्रों में भी बना सकते हैं, जब मन किया तब बना करके खाओ। और भी नई रेसिपी देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।